तुम्ही गल्ली आहे, दादी गल्ली, रवी भाऊ गल्ली ना दादी आहे तुमच्यामुळे. अकरा नंबर प्रभागाचे उमेदवार विलास भैया त्यांना विनंती करेल, त्यांनी हात जोडावा. बारा नंबरचे उमेदवार मक्कू सेठ त्यांनाही विनंती करेल. माजी नगरसेवक पुष्पार्थीच्या उपस्थित सर्वच काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नेतेगण, या परिसरातून आलेले सर्व काँग्रेस पक्षावर प्रेम करणारे माझे राजकीय जीवनातले सहकारी बंधू आणि भगिनींनो, तरुण मित्रांनो, खरं म्हणजे नगरपालिकेच्या निवडणुकीची सुरुवात झाली. नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये लोक 6 महिन्यापासून विचार करत होते की ही निवडणूक नगरपालिकेची कशी होईल, काय होईल, कोण उभा राहील, कुठून येईल. शेवटी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जनतेला मिळाली आणि आमच्या बरोबर कालपर्यंत असलेले लोक अचानक भारतीय जनता पक्षाची घोंगडी घालून या ठिकाणी आपल्या समोर मतं मागायला आले हे आपण बघितलं. मला वाटतं त्यांची पण सभा इथं झाली. त्या सभेला चुकीने थोडी गर्दी जास्त होऊन गेली होती म्हणून लगेच व्हॉट्सअपवर टाकलं की आमची कॉर्नर सभा असताना महासभा होऊन गेली. खरं म्हणजे तो बोलतो ना अंधीने चांद देखली आता वैसा हो गया. हा चौक हा सातत्याने गजबजलेला असतो आणि त्याच्यामुळे त्या दिवशी थोडीफार गर्दी वाढली. जर त्यांची कॉर्नर सभेची महासभा जर झाली असती तर मुख्यमंत्र्यांचे पाया पडून त्यांना मुख्यमंत्र्याला नंदुरबारला बोलवावं लागलं असतं. नगरपालिकेची कोणतीही निवडणूक येऊ द्या, प्रत्येक निवडणुकीमध्ये एकच म्हणतात गरीब लोकांना येऊ. अगर इसके आत्मा म्युनिसिपालिटी दी चंदू भैया अगर चुन के आ गया तो गरीबों के झोपड़े तोड़ डालेगा. दूसरीकडे म्हणतात कि 25 साल से इसकी सत्ता है, का विकास करा. जर 25 वर्षापासून काँग्रेसची सत्ता आहे तरी एक भी गरीबाचं झोपडं तुटलं नाही, हीच खऱ्या अर्थाने इतिहासाची परंपरा आहे. मी आज मी रंगनगरीच्या जनतेला वचन दिलंय की सरकार कोणाचं भी असू द्या, राज्य कोणाचं भी असू द्या, पण एक भी गरीबाचं झोपडं कधी तुटणार नाही त्याची जबाबदारी आज चंदू भैया घेईल. पण बोलणे केली आहेत कुठ नाही तो पुष्प आगे पुष्प बोलेंगे. अरे उन्होंने नंदुरबार में अगर कुछ किया होता तो नंदुरबार के लोग उनको सर पे बिठा लेते. 5 साल हो गए मेरे साथ थे, 10 साल से मेरे साथ है, 2007 से 2017 आज रोज पत्र भी निकाल रहे. पानी पट्टी का ऐसा, घर पट्टी का ऐसा, रस्ते में भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार. अरे तुम 10 साल तो मेरे साथ थे, एक भी मीटिंग में बोले नहीं. क्यों? ब्राह्मण ने मूर्त नहीं निकाल के दिया था तुमको बोलने का? क्या तुम्हारे खानदान का कोई नगराध्यक्ष भी यहाँ खड़ा रहेगा तभी तुम बोलने वाले थे? यार तुम्हारा लोकांनी निवडून दिलं होतं त्या नगरपालिकेमध्ये तर त्यांनी बोलायलाच पाहिजे होतं जर चुकीचं होत होत तर. पर जब सब साथ में थे तब सब अच्छा था. यांना सत्तेमध्ये राहायची सवय आहे, यांना राज्य सरकारमध्ये राहायची सवय आहे. क्योंकि उनके धंदे कुछ ऐसे है कि उनको सत्ता लगती. पहले कांग्रेस की सरकार थी तो मेरे साथ चिटके ले डॉक्टर जावेद साहब को बेचारे को कितना भला बुरा बोले होंगे दुनिया ने देखा है. अभी उसको बेचारे को इनके साथ मिलने की शर्म लग रही. जस्ट
सिर्फ भूखने वाले अभी मेरे बाजू में बैठ रहे, और कल उठ के अगर काट लिया तो करूंगा क्या? ऐसा पाप हमने कभी नहीं किया। हमने डॉक्टर गावित के साथ भी एक निवडणूक में दोस्ती निभाई, ईमानदारी से निभाई, और विरोध भी किया तो ईमानदारी से किया। ज्या लोकांची कधी कुणाशी बांधिलकी नाही, ज्यांचं नंदुरबार मध्ये कवडीचं काम नाही, ते लोक अचानक लोकांना सांगतात आहे की काही करा, नंदुरबार मध्ये परिवर्तन करा। परिवर्तन कुठे होत, परिवर्तन केव्हा होत, हे भी त्यांना आजपर्यंत माहित नाही। अरे परिवर्तन व्हा होता जहां तकलीफ रहती, परिवर्तन वहां होता जहां तकलीफ होती, जुलूम होते, वहां लोग इंतजार करते परिवर्तन का। परिवर्तन कहां हुआ? पिछले साल की म्युनिसिपैलिटी में अमल नगर में। गरीब कार्यकर्ता को तंगड़े तोड़ते लेंगे ऐसा दम दे रहे। रवि दाजी ने बोला, मेरे को तो मालूम नहीं, दाजी मला राजकारणामध्ये 25 वर्ष झाले। मैं 1992 में पहली बार जिल्हा परिषद में चुन के आया था। नंदुरबार के हर आदमी की मोहब्बत से दुनिया जिल्हा परिषद का मैं अध्यक्ष बना था। तब नंदुरबार ये पूरा दुनिया एक जिला था, 10 तालुके का। मैं तब से सुनते आ रहा, कुछ भी नंदुरबार में हुआ कि कोई भी बोलता पुनः तांगड़े को भी डाक। अगर 25 साल में सही हो जाता ना ये, तो आधा गांव अंदर से दिखता आधा। हर आदमी ने अपनी मां का दूध पिया। पर ये स्टाइल है, एकीकडे तुमचे कार्यकर्ते तुम्ही लोकांना दम देणार, आणि दुसरी तरफ तुम बात करेंगे कि परिवर्तन होना। अरे पहिले तुझं वर्तन सुधारा, मग परिवर्तन होईल। स्वतःनं वर्तन मग ठिकाणा नाही, आणि परिवर्तन मागे राहणार। अगर परिवर्तन लोगों ने इनके भरोसे कर दिया ना, तो मेरा शिरीष दादा बरोबर बोलता, इलाका किसका भी हो, धमाका हमारा होगा। अभी तो सत्ता नहीं है तो भी ये स्टाइल में बोलते कि इलाका किसका भी हो, धमाका हमारा होगा। अगर सत्ता आ गई ना, तो आपके गांव में बोलेंगे, दुकान किसकी भी हो, गल्ला हमारा होगा। अरे कहां लेके जाएंगे नंदुरबार को? माझ्या आयुष्यामध्ये एकच चूक झाली माझ्या हाताने, दाजी आमदार निधीतून बनवलेली तालीम आहे। भले तुम्ही भी पैसे लावले होते, पण आमदार चंद्रकांत रघुवंशी भी पैसे दिले होते महाराष्ट्र व्यायाम शाळेसाठी, कारण लहानपणापासून इथं तालीम पाहायचो मी। तालीम बनवली, पर तालीम की दुकान में भी चिट्ठी की दुकान चालू हो गई। मेरे को एक ने चिट्ठी दी, अभी मैं आया वहां से यहां तक में, तो भैया तुम्हारे तालीम में भी चिट्ठी है। वो चिट्ठी कैसी? तब पता चला कि चिट्ठी की दुकान यहां भी खुल गई। त्यांच्या 5 लोकांना ते ज्याला उमेदवारी द्यायची होती त्याला उमेदवारी देऊ शकले नाही। ए बी फॉर्म पे जिसको ईमानदारी से उमेदवारी देने की रहती, या जिसको हमने जवान दी है, उसका नाम पहले नंबर पे लिखना पड़ता, और जो हमारा डमी कैंडिडेट है उसका नाम दूसरे नंबर पे लिखना पड़ता। इनके पास कभी अच्छे लोग ही नहीं है, फॉर्म भरने की कभी किसको प्रैक्टिस नहीं। फॉर्म भरने वाले लोग ही नहीं थे, चिट्ठे लिखने वाले लोग थे। उन्होंने जिसको सिंबल देने को आना था उसके बदले जिसको नहीं देने को आना था उसको दे दिया। उसमें वो हमारा बागवान, क्या नाम उसका, इधर का लियाकत बागवान,
बेचारे को पूरी गली इधर नहीं पहचान की उधर पंजरा में खड़ा है, इनके ये भी अंधी चांद देख रही उधर। क्या करेंगे, क्या लोकशाही है, कुछ भी आरोप करेंगे रोज। दरपट्टी का घोटाला है बोले नंदुरबार में, 5 साल पहले नंदुरबार के लोगों को मैंने वादा करा था, मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि जिसका जूना मकान रहेगा उसको घर पट्टी एकदम 2% बढ़ाऊंगा, जो नया घर बनाएगा उसको नई घर पट्टी बनेगी, नई घर पट्टी ये सरकार तय करता क्या रेट से बनना है। आज पत्रक बांट रहे, रोज अगर मैं पत्रक बांटूंगा कि रविदास जी नालायक है नालायक है नालायक है, तो मैं नायक है ऐसा सिद्ध होता क्या? नहीं। पर रोज पत्रक बांट रहे नगर पालिके का स, अरे तुम्ही काय केलं हे सांगा, अगर मेरे राज में भ्रष्टाचार हो रहा था तो शिरीष दादा ने अनिता भाभी खामोश क्यों थी, इतना ही मेरा सवाल है तुमको। धरपट्टी में बोले सीओ की सही होना था पावती पे, सीओ ने सही नहीं करी 10% पावतन पे, सीओ की सही होना था, अरे डाल दो सीओ को जेल में, सीओ ने सही करना मेरा काम है। गटर का पानी बहता बोले झक्कन में से, अरे गटर बहने के लिए ही है, गटर में कचरा आता ही, एक भी महाराष्ट्र का नगराध्यक्ष सुपो में खुद पावडी लेकर नहीं निकलता गटर साफ करने को, या एक भी नगर सेवक नहीं। परसों के दिन हमारा जुलूस था ईद का, मम्मा पैगंबर साहब की जयंती के दिन का, दौसे के धक्के पे उधर धोबी समाज के सामने एक चेंबर में से पानी निकल रहा था, चेंबर भर गया, वहां हमारे आदरणीय डॉक्टर रवि बापू पहुंच गए, म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी को दमबीम दिया, इधर हाथ नहीं लगाने का बोला सड़क पीछे, ये मोहन रायबान साक्षीदार है, ये आरोग्य सभापति है आज, कारण माझी शकुंतला वहिनी आरोग्य सभापति है। गटर का झक्कन भी खोल के गटर साफ करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि गटर साफ हो जाएगी मसला हल हो जाएगा तो उनकी राजनीति कैसी चलेगी। अकल दिया कर्मचारी को दम दिया, बेचारे सरक गए वहां से, उतनी देर में एक गाड़ी आ गई, कैमरे वाले आ गए, फोटो वाले आ गए, लगेज वो झक्कन का फोटो शूट, मेरे भी गटर की इज्जत बढ़ गई, वो चोर में बहने लग गई कि अपना फोटो निकाल रहा है, एकदम एक बाप में बह गई। अरे क्या राजनीति करने की ऐसी घटिया, फोटो वीटो निकाल लिया, टीवी पे इंटरव्यू दे दी, मेरे गटर को भी लगा के साला आज अपना जन्मदिन है कि क्या है। फोटो निकाल के उनका काम हो गया, मोबाइल में म्युनिसिपैलिटी को गालियां दे दी, वहां से चले गए, मेरे कर्मचारी वापस वहां आ गए, बेचारों ने ढक्कन खोला, अंदर एक जन ने लकड़ी डाली निकाला तो बारदान का इतना बड़ा बोला निकला, इतना बड़ा बोला निकला, बारदान का बोला हो, नारल हो, प्लास्टिक का गोटा हो, अगर गटर में घुस गया तो आगे जाने वाला पानी रुक जाता और वो पानी वापस ऊपर बाहर आने चालू हो जाता 10 मिनट में, उनको तो भी 20 मिनट लगे, कैमरा वाला आया, शूटिंग करा, सब करा, मेरे लोगों ने 10 मिनट में गटर साफ कर दी, पानी इज्जत से बहने लग गया। अगर मैं पूछूं कि ये गोंटा तुमने डाले था, हो सकता कुछ भी हो सकता, अपने गांव में कौन सी क्वार्टर में कौन सी दारू मिलती भगवान कुछ मालूम है, कोई नायका नाम नहीं बोल सकता कि मैं ये पी रहा है था, मैं जिंदगी में नहीं पीता, इतना ख्याल में रखना। मेरे को मालूम है मेरे लड़की की बियर की ब्रूरी है, ब्रूरी पुणे में, मेरा लड़का बियर बना था, बियर डायरेक्ट, और जैसा गन्ने का रस मिलता ना ऐसी बम्बे के जैसी केटलियां लगाई दी उसकी होटल में 4, वहां गन्ने के रस के जैसा एक गिलास भर के देते 200-300 रुपए में, क्या देते हो तो भगवान को मालूम।
और वो जमाने के साथ चल रहा है। वो उसका लाइसेंस है, वो बोलेंगे कि इसका पोले भी बेचता, मेरा पोले बियर बेचता, चुड़ैल और ढाकन में बहुत फर्क है इसका। मैं उसके खिलाफ आज भी बोलता इसी चौराहे पे, मैंने पहले दिन ही उसको बोला था कि बेटा ये काम अपना नहीं था, बियर भी बेचने के लिए, बियर ठीक है, जौ का पानी है, पेशाब की तकलीफ रही तो डॉक्टर भी सलाह देता, पर बियर बेचता 200 रुपए का गिलास, वहीं के वहीं वहीं बनता, इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी है और वहीं बेच दे। कल नंदुरबार के पानी के बारे में भी मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे फिरा रहे थे कि नगराध्यक्ष से मेरा सवाल है कि 1 कोटी लीटर शहराला पानी कसं देतात। मेरी विनंती है नंदुरबार वालों को, नंदुरबार की जनता भाग्यवान है, चंद्रकांत रघुवंशी या म्युनिसिपैलिटी नहीं, नंदुरबार की जनता भाग्यवान है, इसके लिए नंदुरबार के म्युनिसिपैलिटी के नल को कम से कम पानी पीने का साफ आता ये हमको कबूल करना पड़ेगा। दोस्तों महाराष्ट्र में असंख्य गांव है 8-8 दिन 10-10 दिन पानी नहीं आता। आजकल क्या हो गया था बीच में कि कोई भी आदमी डॉक्टर लगा दे रहा था, डॉक्टर मैं सिकेला नहीं है, मेरे को मालूम है, मैं सिकेले की भानगढ़ में भी गिरा नहीं, डॉक्टर लगा लिया रवि बापू ने, उसने ही व्हाट्सएप किया, उसमें लिखेला है कि जल शुद्धिकरण केंद्र 11 MLD असताना तुम्ही नंदुरबारच्या लोकांना 1 कोटी लीटर पाणी कसं देतात, नगराध्यक्षांनी उत्तर द्यावं। उसको नगराध्यक्षांनी भी व्हाट्सअप पर ही उत्तर दिया, 11 MLD याने मेरे दोस्तों 1 करोड़ 10 लाख लीटर पानी होता जो हम रोज उठाते। हमारे 2 फिल्ट्रेशन प्लांट है, 2, एक है 11 MLD का और दूसरा है 12.5 MLD का। 12.5 MLD म्हणजे 1 करोड़ 25 लाख लीटर। जिस दिन अभी धुलिया नाके तक आ जाएंगे मेन लाइन, जिस दिन लाइन वहां जोड़ दूंगा उस दिन वो भी पानी नंदुरबार लाऊंगा, तो कम से कम 2.25 करोड़ लीटर पानी रोज मैं उठाऊंगा। पर उसने उसने लिख के दे दिया कि 1 करोड़ भी पानी नंदुरबार में नहीं आता। अब बेचारे को 11 MLD डॉक्टर होके भी मालूम नहीं कि 11 MLD यानी 1 करोड़ 10 लाख लीटर होता। रोज हम आस्ते से पानी उठाते, 1 घंटे में 2 लाख लीटर पानी उठाते, 1 घंटे में हम 20 घंटे पंपिंग करते, 20 घंटे 40 लाख लीटर पानी आस्ते से उठाते। मेरे गांव में 55 बोर है, 55 जिसका मोटर का पानी लोगों को वापरने को देता। अगर आंकड़ा गिन के दूंगा ना तो 1.5 करोड़ हो जाएगा, पर उनको 11 MLD समझाने, क्योंकि इतने लीटर का उन्होंने कभी अभ्यास ही करा नहीं, उनको क्वार्टर चौका इससे ज्यादा आगे सरके उनको लीटर समझना नहीं कि 1 करोड़ लीटर क्या होता। वो टाकी थी, टाकी वहां 13.25 लाख लीटर की, उसका फोटो डाल दिया, बोले 1 करोड़ लीटर पानी दे रहे, पर यहां तो टाकी 13.25 लाख लीटर की है। अरे वो स्टोर टाकी नहीं है बाबा, उसमें पानी गिरता वापस नीचे से जाता, उसको आवक अने जावक बोलते, जैसा चिट्ठी का वलन देना पड़ता वैसा वो पानी आता अने नीचे से जाता। कल इनको समझाते समझाते सच्ची में पागल हो जाऊंगा। मेरे उनको हाथ जोड़ के विनती है कि तुम्हारे सलाहकार बदल दे। आजकल ये मोबाइल ऐसा हो जाए कि लोग पागल हो जाए, कुछ भी मोबाइल पर दिखा के देखते बैठते, उनको भी लगता अपने को इतने लोगों ने फॉलो किया। जिन लोगों को अभी तक नंदुरबार की पूरी गली गोल मालूम नहीं है, बोले नंदुरबार में डांबर के रोड भी बने ने, अने ऐसे बना दिए कि जैसा कुछ नहीं, बारीक बारीक थर डाल दिए। हीरालाल काका भी मेरा 40 साल से राजनीति कर रहा, काका ने भी ईमानदारी से बोलना कि नंदुरबार का चेहरा मोहरा बदल गया कि नहीं।
आज बाड़गांव से आने वाले हर आदमी को पूछो, वो बताएगा नंदुरबार क्या हो गया ऐसा। आज नंदुरबार के घर से भी आओ, एकदम टॉप मेरा गांव दिखता, हमारा गांव नंदुरबार है। मैं कायम इसके लिए बोल रहा, रोज बोलता कि तुमको विकास दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी नजर वो नहीं है, तुम्हारी नजर फॉल्ट की है, फॉल्ट ढूंढते, फॉल्ट अच्छा नहीं दिखता। रास्ते पे चलते चलते खड्डा दिखा, ठहरो रे, अरे रोड पे खड्डे नहीं गिरे तो क्या घर में गिरने वाले हैं। उनका भी मंत्री बोलता आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटील के पावसाळ्यामध्ये रस्त्यावरती खड्डे पडतीलच, क्योंकि वो भी रस्ते का मंत्री है। पर निस्तो फोटो निकालने का डालने का उस पर उनको लग रहा बस हम चुनते आ गए। वैसा नहीं है, नंदुरबार का हर आदमी पहचानता, नंदुरबार की पहचान शिरीष कुमार है। शिरीष कुमार ये बाल शहीद था, जिसकी वजह से इस नंदुरबार में एक कांड, मतलब जिसने अंग्रेजों को चैलेंज किया और अंग्रेजों ने जिसपे फायरिंग किया, हमारे 6-7 बच्चे एक्सपायर हो गए, उस शिरीष कुमार की हमारी पहचान है। शिरीष दादा की नहीं, हम शिरीष कुमार के रिश्तेदार है, तुम शिरीष दादा के रिश्तेदार है। दादागिरी के खिलाफ है नंदुरबार, नंदुरबार में दादागिरी नहीं चलती। मोहब्बत से नंदुरबार वालों का जीत जीत हो, जिंदगी भर तुमको सर पे रखने की तैयारी नंदुरबार वाला रखेगा। नंदुरबार वालों ने बस आज आके कैसे ढेकी बज रही, मैं तो देख रहा, एक तो गाने में मेरे ख्याल से नरेंद्र भाई मोदी भी है। हाँ नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ तो भी गाना सुना मैंने। अभी आज मुख्यमंत्री आ रहा 8 तारीख को, मेरे को तो डर है, उनकी दुकान अगर जाकर खतरे में दिखी ना तो गुजरात में फिर रहा हूंगा नरेंद्र भाई मोदी, उसको बोलेंगे तुम इधर आ जाओ, एक सभा करके जाओ खाली, पता ऐसा ऐसा करके गए ना तुम भी हमारी नैया पार लग जाएगी। नहीं कोई भी आया तो भी तुम्हारी नैया पार नहीं लगने वाली है। नंदुरबार की जनता का विश्वासघात नहीं चलेगा। इतने दिन क्यों रास्ता देख रहे थे तुम, आज उद्योग नगरी खड़ी करने के, तुम चुनाव लड़ेंगे तभी उद्योग करने वाले, इसके पहले नंदुरबार से तुम्हारा रिश्ता नहीं था। अगर तुमको रोजगार उपलब्ध करने का था तो इसके पहले क्यों नहीं किया। तुम नगर पालिका लड़ेंगे, नगराध्यक्ष चुन के आएंगे, फिर यहां फैक्ट्री डालेंगे। अब फैक्ट्री डालेंगे तो काहे की, ये भी सबसे बड़ी शंका है। मेरी विनती है कि बाबा उद्योग धंधा एक आधा काम आया तो भी चलेगा, पर हमारा संसार उध्वस्त करने वाले उद्योग यहां मत लाना, इतना ख्याल में रखना। उद्योग नगरी लाएंगे, हमारे काबे में म्युनिसिपालिटी दो। धीरूभाई अंबानी ने क्या पहले म्युनिसिपालिटी का चुनाव लड़ा था क्या? टाटा म्युनिसिपालिटी में खड़ा था। अरे हीरालाल काका ने भी आज जो खड़ा करा खुद के बलबूते पे खड़ा कर। अगर आदमी की नीति और नियत साफ रही ना तो अभी तक के कम से कम इन्होंने फैक्ट्री जो भी डाल लेने के लिए, खाली लोगों को गुमराह कर रहे। आज की सरकार की पॉलिसी तुमको मालूम है, जीएसटी का जमाना है, जीएसटी के जमाने में अपने को मालूम है एयर कंडीशन होटल में चिमने को जाओ तो 28% टैक्स लगता था, 28। अपने मियां बीबी के साथ में इधर देवेंद्र भाई फडणवीस बैठता था, इधर नरेंद्र भाई मोदी बैठता था 14-14% पे। अपन 2 रोटियां खावे तो 1-1 उनको खिलाना पड़ती, तब कहीं जाके अपना खाना पूरा हो सकता। कई बेरोजगार हो गए बेचारे, हमारे सूरत में लड़के, हमारे नंदुरबार के पूना में लड़के, नौकरी का ठिकाना नहीं है। अभी उनको यहाँ फिरा रहे थे, दादी ने बोला क्या पगार देने वाले जरा पूछो, 6,000-7,000 सूरत ले जाएंगे, 6-7,000 पगार देंगे, 4,000 रुपए गोली भाड़ा भरेगा, और बाद में क्या हवा के तरफ भरेगा, खानदान को क्या भेजेगा। पर कुछ भी लोगों को गुमराह करने का और अपनी दुकान सीधी करने की इससे ज्यादा कुछ नहीं। नरेंद्र भाई मोदी ने एक संकल्प किया, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान
पूरा देश झाड़ू मारने लग गया। मैंने बोला कि नहीं, प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है, नंदुरबार म्युनिसिपैलिटी भी उसमें रहेंगी। सरकार ने 12,000 रुपए दिए संडास के लिए, हमने म्युनिसिपैलिटी में से 5,000 दिए और बोला कि 12,000 में अच्छी संडास नहीं बनती, 17,000 रुपए दो अच्छी संडास बना। दिले का नहीं, 17,000 रुपए में आ तुम्हारा 17। मैंने कहा कभी संडास अच्छी नहीं रही तो इसका भी पेट साफ नहीं होगा, बाद में ये भी चिल्लाएगा। उससे एकदम टॉप 5,000 म्युनिसिपैलिटी के गए तो भी चलेगा, पर एकदम टॉप संडास बना। नरेंद्र भाई मोदी ने खाली कचरा साफ करने को नहीं बोला है, हमको गांव की घान भी साफ करने को बोला है, समाज की घान साफ करना है। और ये काम नंदुरबार के सब लोगों को करना पड़ेगा। घान कैसे साफ होंगे, झाड़ू मारने से नहीं, पंजे का बटन दबाने से होगी, इतना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। चुनाव म्युनिसिपैलिटी का है, बातें ऐसी कर रहे हैं। अभी एक पत्रक मेरे को एक ने इंग्लिश का ने हिंदी का दिया, ये तुम्हारे मोहल्ले में बांटा, तुम्हारे तुमच्या गल्लीत जास्त राजकारण दिसू राहिलं मला। बोले सरकार की योजना है, 10,00,000 रुपये कर्जा मिलेगा, 5,00,000 रुपये 6% ब्याज से मिलेंगे, 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक 60% ब्याज से मिलेंगे। अब ये सरकार की योजना है, इनका सरकार आने को आज 3.5 साल हो गए। अगर इस योजना में एक भी आदमी को नंदुरबार में अगर लाभ मिला होगा तो ये पत्रक बांटने वाले को मेरे हाथ जोड़ के विनंती है कि मेरे को उस आदमी से मिला देना, वो आदमी के भी पैर पड़ लूंगा कि तेरे जैसा भाग्यवान नंदुरबार में पैदा हुआ। अरे तुम्हारा भी पैर पड़ लूंगा कि भैया नहीं, तुमने किसको तो भी लाभ दिलाया। दिल्ली की सरकार का कोई कागज लाने का, पहले तो अर्धा अक्का इंग्लिश में लिखेला है आणि पीछे लिखेला है मेरी माँ हिंदी में। यहां हमको क्या समझता मालूम नहीं, अगर इंग्लिश का ही हाथ में आ गया ना तो बिचारी इसको बॉम्बे में जलाए बिना रखेगी नहीं, कि उसको क्या अक्कल नहीं थी तो यहां झोपड़ बट्टे में इंग्लिश के बांट रहा था। एक योजना का एक आदमी को लाभ नहीं मिला, पर चुनाव आया कि ऐसे कागज आते। गैस का बाटला उनकी योजना थी, उज्ज्वला, उज्ज्वला गैस। अरे गैस क्या फुकट में आ गया, उसका हिसाब देखना। बाद में तुम्हारी हर महीने को 100 रुपए सब्सिडी कटेंगी। एक बार हमने सबने अगर गैस ले लिया ना तो हमारे इस पर सिक्का लग जाएगा। और अगर हम आज बीपीएल है तो बाद में बीपीएल ने रहता आदमी एपीएल हो जाता। ईमानदारी से बोलना, कितने लोगों को पीले कार्ड पे अनाज मिल रहा है? कई लोगों को अनाज नहीं मिलता। केसरी कार्ड वाला तो रेशनिंग कार्ड ले लेके फिर रहा है, 5 रुपए के 7 रुपए का भी अनाज लेने को तैयार है, पर वो भी अनाज उसको मिलता नहीं। कांग्रेस के राज में कम से कम इतना तो भी मिलता था, आज हमको अनाज भी मिल नहीं रहा। पर फिर भी ऐसे केंद्र के सरकार की योजना के पत्रक लाएंगे और तुम्हारे बीच में बांटेंगे। मेरी तुमको हाथ जोड़ के विनंती है, राजकीय जीवना मध्ये आरोप करणारे फार येतील। तुमच्या चंदू भैयाने कधी नंदुरबार वाल्याची इज्जत जाऊ दिली नाही। चंदू भैया की वजह से नंदुरबार कभी बदनाम नहीं होगा ना कभी होगा, इतना वचन ईमानदारी से दूंगा। अरे पूरा गांव गया था शिरीष दादा के लिए अमल ने, कम से कम 500 लोगों ने तुम्हारे चंदू भैया को भी पूछा था कि भैया हमको अमलनर जाने का बोल रहे, जाए क्या मिलकर जाओ। अगर नंदुरबार का एक मेरा दोस्त अमलनर में आमदार बनता है तो नंदुरबार की भी शान बढ़ेगी, तुम जाओ। मैं खुद भी पालघर गया था राजेंद्र गावित के लिए, क्योंकि वो पंजे पे लड़ रहा था, शिरीष दादा अपक्ष था। मैं खुद गया इगतपुरी निर्मला ताई के लिए, क्योंकि वो भी नंदुरबार की थी, नंदुरबार की बेटी थी, वहां चुनाव लड़ रही थी, वो भी वहां जीती। आपका गांव गया वहां, पहली बार जब गए ना विधानसभा के चुनाव में तो अमलनर वालों को भी लगा के बाबा अच्छे चिकने चोपड़े आए दिख रहे। दादा भी जरा उभारी में था,
गाड़ी में से उतरता था, पीछे 5-10 कमांडो चलते थे, नंदुरबार वाले को भी लोग बुला बुला के चाय पिला रहे थे, आपने को भी लग रहा अच्छी खातिर हो रही। कई लोग वहां खाने पीने के लिए भी जाते थे। एक टाइम था कि लोगों ने अमन्य रखे चुन के दिया, जितने वादे करे थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब म्युनिसिपैलिटी का चुनाव आया तो नतीजा क्या निकला तुमको भी मालूम है। अमन्य रखे एक टाइम था विधानसभा में कि लोग एमएच 41 दिखी कि चाय पिला रहे थे। अरे म्युनिसिपैलिटी के टाइम पे एक टाइम था कि एमएच 41 दिखी दिखी समझने का। अभी तक के व्हाट्सएप पे लोगों के एमएच 41 पलटे होके पड़े गए। ऐसा ऐसी इज्जत चंदू भैया ने कभी नंदुरबार वालों की दाव पे नहीं लगाई। उल्टा एमएच 41 अगर हवलदार ने भी थाना में भी पकड़ी होगी ना, तो अगर मेरे दोस्त ने गांव वाले ने उसको फोन भी दिया तो भी चंदू भैया के नाम पे या चंदू भैया की मीठी जबान से लोगों की गाड़ी छोड़ जाती है। इतिहास आज भी है। आज तक के चंदू भैया को पिए नहीं लगता। कोई माइका लाल बोल दे कि चंदू भैया को मिलने गया पर पिए ने मिलने नहीं दिया, ये लगता ही नहीं करता। मैं पिए लिए होना ही नहीं, यहां तो हाथ में ही दोनों फोन है। डायरेक्ट 1-to-1 जनता से बात करता। यहां ही जूने भाई बाजार में कई बहने होंगी, उनके नल को अगर पानी नहीं आया ना तो भी चंदू भैया को फोन कर दिया कि पानी कब आएगा भैया। मुझे इस बात का अभिमान है कि मेरी मां बहन कम से कम चंदू भैया को याद तो भी करती। यही चंदू भैया की ताकत है। मां तो मिलने के लिए जाने का तो 2-4 पीए को मिलना पड़ता। वो लोग बोलते ना चाय से केटली गर्म, पीए जाने हुशार बैठे उसमें क्या उसे, अपना वो धंधा नहीं। अपना लोगों के साथ दिल का रिश्ता है। रोड पे बैठता रोड पे, मैं पहले भी बोला आज भी बोलता 10 बार बोलूंगा, मुझे आमदार किसने बोला ना आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। एक मोहब्बत से बोला ना चंदू भैया, उसका गुलाम होने के लिए भी तैयार है ये चंदू भैया, इतनी मीठी जबान है वो। अरे आमदार आज है कल नहीं रहेंगे, मैं नंदुरबार का सालदार है। सालदार कभी भी नंदुरबार वाले ने मुझे आजमा लेना, रात को 4-3 बजे कभी भी मुसीबत आई तो फोन उठाता। ठीक है, थोड़े बहुत लोग रात को गलती से भी फोन करते ये पंडित राव ने बोला वैसा बोलता चाइना जाता हूँ, चाइना वाले लगाते कभी कभी। पर अपना प्रयास है कि नंदुरबार के लोगों की सेवा करने का, एकदम अच्छा शहर बना है ना, उसको नजर लगना ही थी और वो नजर लगी है। वो नजर उतारने का भी काम तुमको ही करना है। आने तो कितने भी आए तो भी मुझे डर नहीं है चुनाव का। मैं रस्ते से घूमता ना आदमी की नजर पहचानता और नजर पे से पता चल जाता कि वो आदमी के दिल में क्या है ऐसा। और जब लोगों के सामने जा रहा हूं लोगों को हाथ जोड़ रहा हूं, मैंने भी सोचा नहीं था, मजाक नहीं करता कि मेरी औरत भी नंदुरबार के हर घर के सामने जाएंगे ऐसे। मैंने खाली उसको एक दिन बोला कि मेरी इच्छा ये चुनाव में फिर से पब्लिक में से प्रेसिडेंट है, तो पूरे गांव के घर के सामने जाना और हाथ जोड़ना। अब तो 3 बार राय लेता जी, अब तो 3, 17, 18 और 19, बाकी सब घरों के सामने मेरी औरत भी आके हाथ जोड़ के गई। कम से कम तुम्हारा और उसका रिश्ता तो भी बरकरार रहने को होना। अरे म्युनिसिपैलिटी की कुर्सी आ जाए कल नहीं रहेगी, मैं तो म्युनिसिपैलिटी में जाता भी नहीं, मेरे ऑफिस में बैठ के म्युनिसिपैलिटी चलाता जरूर। उस पर भी आरोप करते बोले इसकी औरत खाली सयाजी राव है के थम्सअप है क्या बोलते सयाजी राव है बोले। अरे सही बात है, अगर मेरे ऑफिस में फ्रॉड हो गया ना तो भी चलेगा, पर म्युनिसिपैलिटी में जहां मेरी औरत सही करती उसमें अगर कभी फ्रॉड हो गया ना तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि नगराध्यक्ष की जिम्मेदारी है सबसे आखिरी सही वो करती। और उसके सही करने के बाद अगर कोई भ्रष्टाचार हो गया तो 100% वो अंदर जाएंगे, मेरे को खिलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, ये मेरे को समझता। उस पर भी आरोप कर रहे नगराध्यक्ष से, मैंने पकता सयाजी राव है। अरे म्युनिसिपैलिटी तुमने भी चलाई ना,
मेरी हिंदू का कुछ तो मेरी औरत हुशार है कि नहीं, तुम्हारी ईमानदारी से बोलना तो मुझे जानते हो। हिंदू बापू के डेट में हरार काका म्युनिसिपालिटी में बैठा था, चल रहा था, अरे अभी मेरी सहेली ने को आते तो बोलते कि वो घर से बैठ के चला। अरे घर से बैठ के चला था ये सही है, एक आदमी ढूंढ के लाना कि परवानगी के लिए आया और चंदू भैया ने उससे पैसे मांगे, गरीबों के मकान तुम्हारे नाम पे करे मैंने, लाल पावती लेके मेरी माँ बहने मेरे पास आई, एक रुपया कभी ज्यादा मांगा क्या कि म्युनिसिपालिटी के पैसे के ऊपर तुम इतने पैसे दे? नहीं, वो ऊपर वाला दे रहा है ईमानदारी में, मेरे को गरीबों के पैसे का लालच नहीं है, उतनी ईमानदारी से नगर पालिका चला रहा हूं, 15 साल में म्युनिसिपालिटी की चाय भी पी नहीं लगे तो तपास लेना, राज तुम्हारा है। रोज पत्रक मत बांटो, माता तुम्हारा आज भी आह्वान है कि 14 तारीख के बाद भी तुम किसको भी लेके आओ, चीफ सेक्रेटरी को लाओ नंदुरबार की म्युनिसिपालिटी तपासने को, अगर नंदुरबार की म्युनिसिपालिटी में भ्रष्टाचार निकल गया ना तो तुम बोलेंगे वो सजा ये चंदू भैया भुगतने को तैयार रहेगा। अरे कभी भी आओ, मेरा कोई ऐसा बिल बढ़ाने का ढेर का धंधा नहीं है, मैं एकदम साफ सुथरा काम कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि कई लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, गली में एक घर के दाजी के घर को अगर मटन बनता हुआ ना तो पूरे गली के कुत्ते वहां बैठते, वो कुत्तों का दाजी से मोहब्बत रहती ऐसा नहीं है, अंदर माल चूरते रहता इसके लिए बैठे रहते। मेरे को मालूम है मेरे को देखने वाले भी बहुत है, और मेरा दावा है उनको कि तुमने आके म्युनिसिपालिटी तपास लेना, सरकार का कोई भी चीफ सेक्रेटरी लाना, और जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। मेरी विनती है एकदम साफ सुथरे ईमानदार, म्युनिसिपालिटी 15 साल से मैंने चला के बताई, 50 रुपए का डीजल भी मेरी गाड़ी में म्युनिसिपालिटी का डाला नहीं, कभी बंबई भी गया होगा तो उसके म्युनिसिपालिटी के पैसे पे गया नहीं, मेरे घर को आज भी म्युनिसिपालिटी का फोन नहीं, म्युनिसिपालिटी में भी सब फोन इनकमिंग है, आजा आजा, जाने का फोन ही नहीं है, जाने का फोन खाली सीओ के ऑफिस में, हर चीज में मेरे पे आरोप कर रहे, गांव में बोले कुत्ते बहुत हो गए, म्युनिसिपालिटी कुछ नहीं करती, उधर अगर कुत्ते पकड़ने का मोहन रायबान को बोला ना कि पकड़, तो कुत्ता कोई मोहब्बत से नहीं आता, उसको मेरा मोहन रायबान बोलेगा आजा आजा इंतजार है तेरा, आपके गाड़ी में बैठ जाना नहीं बैठता, एक फटका देना पड़ता तभी बैठता, फटका दिया कि एक हुशार उसका फोटो निकालता, अरे बगा किसी क्रूरपणे कुत्रे धरून राहिले, अब ये क्या कुत्ते ज्यादा हो गए तो भी गालियां दे रहे, अरे कुत्ते पकड़े तो भी गालियां दे रहे, अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है राजनीति करो अच्छी करो, बोलो कि चंदू भैया ने ये चीज बनाई हम ये चीज बना के बताते, बनाओ, आज तक के 15 साल में तुमने एक चीज नहीं बनाई, अरे खाली हमारे खिलाफ बात कर रहे, मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव का मसला रहेगा, मेरे को भी दर्जा रखने की आदत नहीं है, इधर क्या बोल के गए होंगे मेरे को मालूम नहीं, पर आखिरी दिन अखे गांव का भाषण सुनने के बाद 12 तारीख को सुभाष चौक में हर चीज का जवाब दे बिना मैं भी नहीं सोने वाला, मेरे को भी आदत ही नहीं है, मेरी बच्चे सुन भैया के औलाद है, कर्जा रखता ही नहीं, परसों के दिन भी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब भी 8 तारीख के दिन नंदुरबार में आ रहे, मैंने उनको भी मना करा था कि मत आओ साहब तुम, मैं अकेला ही लोगों के बलबूते पे यहां चुनाव लड़ लूंगा, पर बोले मैं सिंदखेड़ा आ रहा हूं, सिंदखेड़ा अगर आऊंगा आने नंदुरबार जिल्ह्याच्या मुख्यालयाला नहीं आलो तो बरं दिसत नाही, माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार और अशोक चव्हाण साहब 11 बजे सुबह में आने वाले और 11 बजे इलाही चौक में मैंने सभा रखी है उनकी, ताकि इलाही चौक में एक सभा हो जाए, और उस दिन जुम्मा है मेरे ख्याल से, तो 9:15 बजे के पहले अजान होने के पहले सभा बंद करा दूंगा, 10 तारीख के दिन उत्तर प्रदेश का मशहूर इमरान प्रताप गढ़ी वो भी नंदुरबार में आने वाले हैं,
क्योंकि थोड़े बहुत हमारे मोहल्ले में बिलावा करना पड़ेगा, लोबान जलाना पड़ेगा, और इसके लिए उनकी भी दो सभा रखी है। एक 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे पटेलवाड़ी में, 10 तारीख को, सॉरी 10 तारीख को 3 बजे दोपहर को पटेलवाड़ी में, और रात को 7:30 बजे इलाही चौक में इमरान प्रतापगढ़ी भी दो सभा करेंगे। मुख्यमंत्री साहब आएंगे, मुख्यमंत्री साहब भी 8 तारीख को आ रहे हैं, ऐसा पंडित राव लिख के दे रहे हैं, ठीक है, लिखने जो मेरा दोस्त है मुख्यमंत्री। मुझे आज भी याद है पिछली बार, आज मरहूम आरा राबा नहीं है, वो राष्ट्रवादी के तरफ से एक बार यहाँ चुनाव में सभा लेने को आए थे, मैं खुद भी उनके स्वागत के लिए हेलीपैड पे गया था। बाद में जब उनकी सभा चालू हुई सुभाष चौक में, आज जैसे चिट्ठी मोहन रायबन को चला के करण चौपुली में सभा चालू हो गई, बोले जैसे लोग आज मेरे को चिट्ठी भेज रहे, वैसे आर आर को भी लोग चिट्ठी भेजते थे, रघुवंशीवर बोला, रघुवंशीवर बोला, वो हर चिट्ठी खिसे में रखता था, तो रघुवंशी को पहचानता था, रघुवंशी के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। मैं आज भी तुमको दावे से बोलता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी तुम्हारे चंदू भैया का एकदम जिगरी दोस्त है, जिगरी। अगर नंदुरबार का कोई भी काम लिख के दिया तो भी उस पर सही करता, नहीं करता ऐसा नहीं, राजनीति नहीं करता, ये ठीक है, उसको जा जाके बोल दे कि साहेब त्याला झटके दिया, त्याला हे दिया, त्याला ते दिया, पर उनको भी समझता कि इनकी कितनी औकात गांव में है। रोजी कोई भी किसके खिलाफ बोलेगा तो ये नहीं चलता। और महाराष्ट्र सरकार का मैं भी आमदार है, शिरीष दादा बोलता मैं 150 किलोमीटर पे जाके चुन के आया, ठीक है, भाग्यवान है तू, तेरी कुंडली में होगा राजयोग, इसके लिए तू चुन के आया। हमारे नसीब में नहीं है आमदार की, विधानसभा की हमको मान्य है, पर मैं भी विधान परिषद का आमदार हूं, मैं महाराष्ट्र के आमदारों में से चुन के आया हूं, और पूरे महाराष्ट्र के आमदार ने तुम्हारे चंदू भैया को भी बिन विरोध आमदार बना के दिया है। ये अमलनगर में चुन के आया, सही है, इनका धंधा थोड़ा फायदे का है, ये कोई भी गांव को गए तो टेबल बराबर लग जाता, और टेबल लग गया कि दोस्ती बढ़ जाती। पर आज हिसाब बता रहा था कि मेरे दुनिया में खड़े रहना, मेरे को जितना लीड मिला उतना, अगर चंदू भैया को वोट भी मिल गए तो मैं सैल्यूट मारूंगा नहीं। मैं धुरिया जिला परिषद का अध्यक्ष था, तब धुरिया जिले की आबादी 25 लाख थी उस जमाने में, 92 में, ये चंदू भैया था परदेसी का बोरिया जिसके 400 ही वोट थे, तो भी पूरे धुरिया जिले के लोगों ने चंदू भैया को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया। अरे वो धर्म भास्कर की जिला परिषद थी, धर्म भास्कर की, आज भी अगर धुलिया के जिला परिषद में गए ना नंदुरबार वाला, तो वो जिला परिषद का कर्मचारी भी बोलेगा कि चंदू भैया के जैसी जिला परिषद किसने नहीं चलाई। मला तुमच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, मला जनता प्रमाणपत्र देते, आणि मैं आज का चुनाव भी जनता के बलबूते पे लड़ रहा हूं। मेरी आपको हाथ जोड़ के विनंती है, जितनी ईमानदारी से मैंने तुम्हारी सेवा की उस सेवा का फल मैं चाहता। मैंने आज तक के लोगों से कोई चीज की उम्मीद नहीं रखी, पर मेरी आपसे विनंती है कि अगर चंदू भैया ने सचमुच तुम्हारी सेवा करी, नंदुरबार ने, नंदुरबार का विकास अगर चंदू भैया ने करके बताया, आज क्या नहीं है मेरे गांव में, हर चीज है, तो ईमानदारी से चंदू भैया का साथ देना, इतनी तुमको हाथ जोड़ के विनंती करता। बाकी तो ज्यादा मैं तुमको दिन के तारे दिखाने के लिए यहां नहीं आया, मेरे से आगे भी जितना होगा, एक हॉस्पिटल 50 बेड का डालने वाला हूं, 50 बेड का हॉस्पिटल डालूंगा, राजीव गांधी जीवन दायी योजना में गरीबों को फुकट में इलाज कराऊंगा, मेरी बेटियों के लिए एक अच्छा गार्डन बनाऊंगा, मेरी बेटियों के लिए एक अच्छी तालीम बनाऊंगा, नंदुरबार के नलों को 24 घंटे पीने का पानी आएगा, ऐसा ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा, 24 घंटे कभी भी नल चालू करो, पीने का पानी आपके नलों को आएगा, इतना पीने का शुद्ध पानी दूंगा। ये भाव भी चैनल का गिरा दिख रहा है, ये उसका भी समय हो गया है।
और मेरा भी समय हो गया क्योंकि मुझे भी करण चौपड़ी पे जाना है। आपको हाथ जोड़ के विनंती करता कि जहां जहां भी पंजे का उम्मीदवार है वहां सबको तुम्हारे प्रभाव में, तो सभी पंजे के इधर उधर ही थोड़े बहुत शिवसेना के साथ हमारी ड्यूटी है, पर सभी कांग्रेस के और शिवसेना के उम्मीदवारों को पंजे का और दमिश्क बांध का बटन दबा के जीता के देना, इसे हाथ जोड़ के विनंती करता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।